जिस राजा के राज्य में संत और ब्राह्मण खुश रहेंगे वो रस राजा का राज्य स्थायी होता है, और जिस राजा के राज्य में संत और ब्राह्मण दुखी होंगे, जिन राजाओं की नज़र संत और ब्राह्मणों के ऊपर रहेगी, उनके आश्रमों पर, संपत्ति पर, मंदिरों को अधिग्रहण करने पर, हाँ बड़ा आश्चर्य की बात है। उत्तर प्रदेश में बांके बिहारी मंदिर को अधिग्रहण करने के लिए प्रयासरत है गवर्नमेंट। वृंदावन में कम से कम 50 मंदिर ऐसे हैं जहां सेवा पूजा ठीक से नहीं हो रही, चतुर्वेदी जी को पता है। तो बांके और वो सब सभी कृष्ण भगवान के मंदिर हैं, उन मंदिरों को अधिग्रहण नहीं कर रही, जहां मूर्ति को भोग भी ठीक से नहीं लगता, विग्रह के सेवा पूजा नहीं, जहां पैसा ज्यादा आ रहा है, तो मंदिर को अधिग्रहण कर रहे हैं कि लक्ष्मी जी को, किसको कर रहे? ये जिनकी नजर है उनको अपने पैसे से संतोष नहीं, इतना पैसा है हा? लेकिन अब क्या कहा जाए, भगवान की लीला। जहां संतों पर, ब्राह्मणों पर और भगवान के मंदिरों पर जहां नजर रहेगी वो राजा कभी सुखी रहने वाला नहीं है हा?